अगर सोचिए बच्चा लोग सिगरेट पी के घर में आया, ठीक है, हम उसको मार दिया। अब मारने के बाद बच्चा जो सीखा, अगर मेरा मम्मी पापा जान लिया कि मैं सिगरेट पी के आया तो हमको मारेगा, तो मैं आपसे छुपा के पीऊंगा। ये छुपाने, ये चोरी छुपाने का जो प्रवृत्ति है उसके अंदर, ये जो चोरी करने का उसका जो दिमाग है, ये आप लोगों ने खुद उसके ऊपर डेवलप करके ला के रख दिया। तू मेरे को मत बता, तू अपना अपने आप सब कर। आप लोग सबको, जो लोग माता पिता है सबको अपना बच्चा का उम्र से एक बार ना एक बार गुजरा है, वो सारा गली क्या कौन सा गली से चलता है बच्चा लोग सबको ही जानता है। ये जिस जिस गली से हम लोग गया था उसी उसी गली से मेरा बेटा बेटी लोग जाएगा, तो उन लोगों को हम लोग प्रॉपर गाइडेंस दे ही सकता है। खाना पूरा दिन नौकरी करके आने के बाद घर में ज्यादातर आदमी खाना खाते वक्त टीवी चला के बैठ जाता है, तो परिवार से बात कब करेगा। ऐसा हम लोग जब देवघर में रहता है तो मेरे पास बहुत सारा आदमी आता है अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम लेकर, कि पति पत्नी में झगड़ा है, ठीक है, झगड़ा क्यों है, बातचीत नहीं होता। एक लड़की के मन में क्या चल रहा है वो अपने पति को नहीं पता, पति पति भी अपने मन में क्या चलता है वो अपने बीवी को नहीं पता पता। जो बातचीत का जो गैप है इसके कारण झगड़ा लगता है। आप लोग घर में यदि बातचीत बढ़ाने का कोशिश करते हैं कि आप आज पूरा दिन में क्या किए, पूरा दिन में क्या किए, यही तो डिस्कस हो सकता है खाना खाते वक्त, कि मैं पूरा दिन में क्या किया बचपन से। जो आप लोग सबको एक बड़े बने ना, मेरा 18 साल उम्र हुआ तो 18 साल का जिंदगी में जी लिया। अब 18 से जो लोग छोटा है उन लोग के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा ऐसा किया होगा शायद, ऐसा ऐसा कर रहा है शायद। तो आप लोग कितने आदमी बड़े बने, सबको अपना जिंदगी में कुछ ना कुछ बना, सबका बड़ा होने का एक घटना होता है कि मैं इस तरह बड़ा बना, मैं इस तरह यहाँ पे आके पहुंचा, मैं यहाँ यहाँ जिंदगी में गलती किया, यहाँ यहाँ अच्छा किया या और अच्छा कर सकता था, ये अफसोस रहता है, ये सब लेके हम लोग बड़े बने। ये सारा कहानी हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन तक शेयर कर सकते हैं, अपना बेटा बेटी को बता सकते हैं कि ऐसा हम लोग करके आया था। ये सारा कहानी उन लोगों को उनके मन में फैमिली के प्रति प्यार ही जगाएगा कि हाँ मेरा पापा है मेरे लिए, मेरे पापा मेरे को ऐसा कहानी बोलता है। ये सारा इंटरेक्शन रहना चाहिए। आप लोगों से स्वस्थ नहीं कितना आदमी लिया, ठीक। स्वस्थ नहीं लेने से आदमी लोग पीछे चला जाता है क्योंकि मांस मांस ये प्याज लहसुन ये सब खा नहीं सकते, तो अभी छोड़ के क्या लाभ, थोड़ा बाद में छोड़े, तो ऐसा करके हम लोग पीछे आ जाता है। तो मेरा मम्मी पापा का जब शादी हुआ तो मेरा मम्मी सत्संगी परिवार से बिलोंग नहीं करती, तो उनको मांस मछली खाना अच्छा लगता था बहुत। अभी मेरा जितना उम्र है मेरा उम्र में मेरा मम्मी का मैं बेटा हो गया। इस टाइम पे मेरा मम्मी जब बंगाली में एक रिचुअल होता है अष्टमंगला, इसमें शादी होने के बाद लड़की लड़के के घर आती है, 3-4 दिन रहने के बाद अपने घर वापस जाके एक दिन रह के फिर पति के घर लौट के आती है, ऐसा एक रिचुअल है। ऐसा रिचुअल के टाइम पे तो मेरा मम्मी पापा सब मेरा मम्मी मेरे घर में है, मेरे घर में तो प्याज लहसुन मांस मछली कुछ है नहीं, पूरा दिन सब्जी 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 पे ही चल रहा है, तो मम्मी परेशान हो गई कि हाँ कि खाऊंगी क्या, मैं तो कुछ खाने के लिए नहीं। तो 3-4 दिन से अपना भूख को दबा के अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी अपनी मम्मी को फोन लगाई, हम दीदू दीदू बोलता था, तो मम्मी को फोन लगा के बोले अच्छा से मांस मछली पका के रखेगा, हम आ रहा है जल्दी आएगा। तो अब पिताजी और मम्मी गाड़ी में बैठ के मेरे मामा घर के लिए निकले। तो ऐसा शादी में लड़की लोगों का तरफ से लड़का लोगों को हर चीज देता है ना, घड़ी पेंट शर्ट धोती कुर्ता कुछ भी हैंडकरचीफ सब कुछ देता है। तो ऐसा टाइम पे मेरा मम्मी का जो पिताजी थे वो पिताजी को घड़ी देना भूल गए, तो शादी में पिताजी को घड़ी नहीं मिला। तो गाड़ी में पिताजी और मम्मी जा रहे हैं, तो पिताजी मम्मी को पूछ रहे हैं एक चीज आपसे मांगूंगा आप दे पाएंगे, तो मम्मी बोल रही है, मम्मी मन में सोच रही है कि घड़ी नहीं मांगेगा, घड़ी नहीं मांगेगा। तो ऐसा वक्त पे पिताजी बोल रहे हैं कि सुनना अब से तुम जो घर जाओगी तो मांस मछली मत खाना, ठीक है। अब मम्मी संकट में गिर गई कि अब क्या होगा, अब घर में जाके
एक एक कढ़ाई हटा हटा के देख रही है क्या क्या पका है क्या क्या पका है। और मम्मी का जो लोग सब और गार्जियन है फैमिली में वो सब मम्मी को सिखा रहे की अरे खाना पति बोलता है तो हमेशा सुनना जरूरी है, ऐसा करके गार्जियन कर रहे हैं मम्मी। मम्मी बोल रही है कि मेरा पति पहला बार मेरे से कुछ मांगा था, जितना दिन रख सकती हूँ रखने का कोशिश करूंगी। तो मम्मी आ सकती है जो सुंदर नहीं खाए। तो बात है कि ठाकुर जी के प्रेम से नहीं, मेरा पिताजी को प्यार करके मेरा मम्मी ने खाना छोड़ दिया। ठीक है, अगर आप लोग भी गार्डन करने जाते हैं ना, गार्डन करने में संकट होता है कि हमेशा आदमी को क्या बोले, शर्माते हैं हम लोग क्या बोल के मैं उसको प्रभावित करूं, उससे पहले दोस्ती कर लीजिए। मैं ऐसे ही गार्डन करता हूँ, मैं पहले दोस्ती कर लेता हूँ। अब दोस्ती जब हो गया अब तो मैं अपने दोस्त को कुछ भी बोल सकता हूँ, अरे मैं लेके अच्छा हूँ तू ले तू भी अच्छा रहेगा। ठीक है, हम लोग सबका कोई ना कोई एक तो दोस्त है, हर किसी का एक तो बेस्ट फ्रेंड है, ये इस बेस्ट फ्रेंड को ही खाली पकड़ के लेके आना है। ऐसे आज बहुत गर्मी है, आप लोग को भी आप लोग रहिए थोड़ा देर, बात सुनने का कोशिश कीजिए, विवेक हमको पकड़ के लेके आया ऐसा, आप लोग सुनिए सब कोई। और खाना खाना रेडी रखा है, खत्म होते ही भेज देगा, हम ज्यादा टाइम नहीं लेगा, हम ही खत्म करने की कोशिश करेंगे, जितने बोल सकते हैं। अभी हमको ऐसा बोलना नहीं आता, हम डरता है, हमने आप लोगों के पास घुसते घुसते मेरा पैर कांपना शुरू हुआ है, धीरे 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 बातचीत करते करते थोड़ा ओपन अप हुआ, थोड़ा दोस्ती हुआ, कुछ कुछ आदमी हंस रहा है, ये देख के भी अच्छा लग रहा है, इस तरह करके थोड़ा बातचीत करने में अच्छा लग रहा है।